सोमवार को कल्याण समिति के बैनर तले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिलाधिकारी को प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन देने आए लोगों का कहना था कि शासन के आदेशों के अनुरूप आयुष्मान गोल्डन कार्ड के लिए उनसे कागजात तो जमा करवा लिए गए, लेकिन आज तक उनके गोल्डन कार्ड नहीं बन सके हैं, जिसके चलते अधिकतर सेनानी 70 से 90 वर्ष की आयु के बुजुर्ग हैं और अधिकांश बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका उपचार समय से नहीं हो पा रहा है। अगर इन सभी के गोल्डन कार्ड बन जाएंगे तो उनको समय पर सही उपचार मिल सकेगा। वहीं ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने दूसरी मांग की कि सम्मान निराशि में प्रतिभा समय से यानी 5 तारीख तक प्राप्त नहीं आ पाती है और सेनानी के मृत्यु हो जाने पर विधवा को सम्मान राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उसकी वेरिफिकेशन में विभागीय अधिकारियों द्वारा कई महीनों से वर्ष का समय भी लग जाता है, जिससे विधवा को स्थिति दयनीय हो जाती है। उसकी समय विधि तय कीजिए, जिससे कि स्थानीय आर्थिक वेरिफिकेशन में विभागीय अधिकारियों द्वारा कई महीनों से वर्ष का समय भी लग जाता है, जिससे विधवा की स्थिति दयनीय हो जाती है। उसकी समय विधि तय की जाए, जिससे आर्थिक दयनीय स्थिति का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम से यह ज्ञापन लोकतंत्र सेनानियों ने आज जिला प्रशासन को सौंपा है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए पहले से ही सुनिश्चित कर रखा था, परंतु कष्ट और दुख की बात यह है कि इस मौके पर जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे। उनके प्रतिनिधि के द्वारा ये ज्ञापन हमने दिया है, उसमें मांग है कि जो भी लोकतंत्र रक्षक सेनानी जिनका निधन होता है, उनकी जो बारिश होती है, उनकी पत्नी वगैरह, उनकी जो भी पत्रावली है वो 60 दिन या 90 दिन के अंदर सुनिश्चित की जाए। उनको साल साल भर तक के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, ये बहुत ही गलत बात है। दूसरा जो स्वास्थ्य से संबंधित बात है कि हम अधिकतर लोकतंत्र रक्षक सेनानी 65-70 से लेकर 90 वर्ष तक के हो गए और उनका गोल्डन कार्ड आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है, जो कि बनना चाहिए। और तो मेरा निवेदन है कि हमने मांग पत्र में मांग की है कि वो जल्दी से जल्दी लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को मिले, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानी है उसके कारण आर्थिक बोझ बहन न करना पड़े। 1 मार्च और अप्रैल में जो सम्मान राशि जो मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली है बजट के कारण। बजट का जो भी बजट का शासन से आता है, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जनवरी में ही हम अपना डिमांड पत्र का शासन को भेजना चाहिए, जिससे कि मार्च अप्रैल में ये देरी ना हो। कल्याण समिति जिला मथुरा का महामंत्री हूँ और जितने भी हमारे लोकतंत्र के सेनानी हैं ये सब 70 से 90 के बीच में अधिकतर हैं, जो 2-4% होंगे जो कम उम्र के हैं, नहीं ज़्यादातर 70 से 90 के बीच के हैं। तो उनको आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो कि बीमारी के लिए को ज़्यादातर ये उम्र जो है बीमारी की होती है, तो इसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं और आर्थिक लॉस भी बहुत होता है। तो हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो अनाउंस किया है इसको जल्दी से जल्दी लोकतंत्र सेनानियों को वितरित कराया जाए। और दूसरी हमारी समस्या ये है कि कई वर्षों से ये जो ग्रांट है ये नहीं मंगाते टाइम से, जिसकी वजह से मार्च और अप्रैल की अभी तक सम्मान राशि हम लोगों के खातों में नहीं आई है। अब जो लोग केवल इसी पर निर्भर हैं वो कैसे अपना गुजारा करें। तीसरी हमारी जो समस्या है कि जो हमारे लोकतंत्र सेनानी गुजर जाते हैं उनकी महिलाओं को ये सम्मान राशि मिलती है, लेकिन उसके वेरिफिकेशन में ये साल साल भर यहाँ के अधिकारी लगा देते हैं, जिसकी वजह से 1 साल तक पैसा न मिलने से उनकी क्या हालत आर्थिक स्थिति होती होगी। हमारा निवेदन ये है मुख्यमंत्री जी से कि इसको समयबद्ध किया जाए, 3 या 4 महीने कम से कम, जिससे ज़्यादा न किया जाए 3 या 4 महीने के अंतर्गत। 4 महीना भी ज़्यादा का क्या मतलब? हाँ, 60 दिन के अंदर, मतलब कम से कम जो गवर्नमेंट का एक नियम है 90 दिन का, 90 दिन के अंदर अंदर ये हम लोगों का वेरिफिकेशन होके मतलब महिलाओं को ये तुरंत सम्मान राशि मिल जानी चाहिए। और एक चौथा है, केवल पूरे भारत मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में और मथुरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन बने हुए हैं, केवल मथुरा और लखनऊ में। तो जो हमारे लोकतंत्र रक्षक सेनानी अब स्वतंत्रता सेनानी दिया तो रहे नहीं, तो हमारी मांग ये है कि ये जो शासन है इसमें रुकने की सुविधा हम लोगों को करे, जिससे कि जो लोग तीर्थ करने मथुरा वगैरह आते हैं वो उसमें ठहर सके और उनको सुव्यवस्था मिल सके।